तो कैसे दोस्तों, स्वागत है सबका दोबारा आज की एक नई वीडियो पे, जहां पे हम बात करेंगे एंड्रॉयड 12 के बारे में। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कब तक हमको उसका बीटा वर्जन देखने को मिलेगा, कब तक इसका स्टेबल वर्जन देखने को मिलेगा, कौन से फोन में सबसे पहले एंड्रॉयड 12 आएगा और इसमें कौन से हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे, कौन से नए फंक्शन इसमें हमको देखने को मिलेंगे, ये सब जितनी भी बातें हैं मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगेंगे लाइक भी जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो अभी बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पे सबसे पहले बात करें एंड्रॉइड 12 का जो डेवलपर वर्जन होगा वो हमको इसी मंथ यानी कि फरवरी में हमको देखने को मिल जाएगा, या फिर फरवरी के लास्ट में हमको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी डेवलपर होते हैं सबसे पहले एंड्रॉइड 12 का जो वर्जन होगा उनके पास जाएगा, वो अपनी ऐप को एंड्रॉइड 12 के कंपैटिबल बनाते हैं ताकि इन फ्यूचर जब भी एंड्रॉइड 12 आएगा तो हमारी ऐप उसके ऊपर भी रन कर पाए। जहां पे उसके बाद जितनी भी कंपनियां होती हैं उनके पास वो बीटा वर्जन भेजेंगे, फिर बीटा वर्जन जितने भी उनके यूजर होते हैं जो मोबाइल कंपनियां होती हैं उनको भेजते हैं ताकि अच्छे से उनकी जो टेस्टिंग हो जाए कि हमारे मोबाइल में जो एंड्रॉइड 12 का बीटा वर्जन है वो कैसे चल रहा है। तो उसके बाद स्टेबल वर्जन की बात करें तो इसी साल हमको जो अगस्त में उसका जो स्टेबल वर्जन है वो हमको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यहां पे बात करें कौन-कौन से स्मार्टफोन को जो एंड्रॉइड 12 की जो सपोर्ट है सबसे पहले देखने को मिलेंगी, तो जहां पे मैं आपको बताता हूं कि जितने भी स्मार्टफोन है जैसे गूगल पिक्सल के, गूगल पिक्सल 3 की बात करें, 3 या फिर 3 एक्सएल के बाद जितने भी स्मार्टफोन आए हैं उन सबको भी जल्दी ही जो एंड्रॉइड 12 की सपोर्ट होगी वो देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद जितने भी स्मार्टफोन अभी मार्केट में आए हैं जो कि स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के ऊपर है उनको भी बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद जहां पे मैं आपको बताता हूं जितने भी अभी लॉन्च हुए हैं रिसेंट फोन जो कि एंड्रॉइड 11 के ऊपर हो रहे हैं उनको भी सबसे पहले जो होगा वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन जहां पे एक और कंपनी है जो कि सब कंपनियों से पहले जो एंड्रॉइड 12 है उसको लेके आएंगी, जहां पे मैं गूगल की बात, गूगल पिक्सल की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पे ये है बीबी के ग्रुप। बीबी के ग्रुप के बारे में अगर आपको नहीं पता, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, आई बटन में उसका लिंक देता हूं, वहां से देख लेना। तो बीबी के ग्रुप एक्चुअली है क्या, जितने भी स्मार्टफोन की बात करें पोको, वन प्लस, वीवो की बात करते हैं, शोमी को छोड़ के, और जहां तक आईक्यू की बात करते हैं, रियलमी की बात करते हैं, ये जितने भी मोबाइल होते हैं ये बीबी के ग्रुप के अंडर आते हैं। और जहां पे बीबी के ग्रुप और गूगल के बीच एक डील हुई है जहां पे उन्होंने बोला कि सबसे पहले जो एंड्रॉइड 12 की सपोर्ट होगी वो हम अपने किसी भी स्मार्टफोन जो कि बीबी के ग्रुप के अंदर है, हो सकता है कि वन प्लस हो सकता है, या फिर रियलमी हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा स्मार्टफोन हो सकता है जो बीबी के ग्रुप के अंदर होगा, सबसे पहले एंड्रॉइड 12 का जो सपोर्ट होगा उसको देखने को मिलेगा। यहां पे बात करें ना एंड्रॉइड 12 में हमको कौन कौन से नए चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा इसमें हमको जो जूआई में चेंजेस देखने को मिलेंगे, थीम में चेंजेस देखने को मिलेंगे, और इसके विजेट हो गए वो भी काफी चेंज हुए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इसमें हमको विजेट जो बबल हो गए वो हमको देखने को मिलेंगे, बल्कि ऐसे बबल करके आप होम स्क्रीन के ऊपर कोई भी अगर आपको मैसेज करता है वो सीधा बबल बन के आपके होम स्क्रीन के ऊपर आ सकता है, वहां से आप रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई आपकी मिस कॉल आती है वो भी ऐसे करके बबल बन के आपकी होम स्क्रीन के ऊपर आ जाती है। तो काफी अच्छे जो विजेट की बात करें तो काफी अच्छे विजेट है, तो अभी तक इसको आप चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। प्राइवेसी की बात करें तो उसकी ओर भी काफी ध्यान दिया गया है इस बार, जहां पे मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि आपने iOS के ऊपर एक चीज आपको देखने को मिलती है, अगर आपके पास आईफोन है तो आपको जब भी आप कैमरा को ओपन करते हो, या फिर कोई भी दूसरी ऐप जब आपका कैमरा को एक्सेस करती है तो ऊपर आपके एक ग्रीन डॉट आता है, जब आप माइक्रोफोन को एक्सेस करती है कोई भी ऐप तो उसके बाद आपको जो येलो डॉट होता है वो आपको देखने को मिलता है। इसके ऊपर भी मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूं, ऐसा ही कुछ इस बार जो है आपको एंड्रॉइड में भी देखने को मिलेगा। अगर आप कैमरा को एक्सेस करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेंगी, ऊपर कैमरा का आइकन आपको देखने को मिलेगा। किसी भी ऐप के अंदर अगर आप कैमरा खोलते हो तो वहां आपको जो कैमरा का आइकन होगा वो देखने को मिलेगा। काफी अच्छी बात है, इसमें आपको पता चलेगा कि कौन सी ऐप आपका माइक्रोफोन ट्रैक कर रही है, कौन सी ऐप आपका कैमरा ट्रैक कर रही है। और दूसरी बात जहां पे बात करें, एक चीज काफी अच्छी और भी है, जहां पे आप सेटिंग में जाके वहां भी आपको अगर आप कैमरा को डिसेबल करना चाहते हैं तो वो कैमरा को डिसेबल कर सकते हैं, कोई भी आपका कैमरा को एक्सेस नहीं कर सकेगा। और जहां तक माइक्रोफोन की बात करें उसको भी आप डिसेबल कर सकते हैं, कोई भी आपका जो माइक्रोफोन होगा वो भी एक्सेस नहीं करेगा। और उसके बाद जहां पे गूगल की एक गूगल क्रोम एंटी ट्रैकिंग एक मेथड होगा जो कि गूगल क्रोम में आपको देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि कोई भी ऐप होते जो आपको जब भी आप ब्राउजर को ओपन करोगे बहुत सारे आपको पॉपअप मैसेज देखने को मिलते हैं, बहुत सारा आपका डेटा होता है जो आपकी कैचे मेमोरी को स्टोर करता है, या फिर आपकी कुकीज को स्टोर करता है, उसके बाद आपको ऐसे ऐड दिखाए जाते हैं। और इस फंक्शन के थ्रू आपको काफी ऐसी सिक्योरिटी देखने को मिलेगी और आपको फालतू के जो पॉपअप एड्स की बात करें या फिर फालतू के जितने भी ऐड आते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आगे आपको एक और फंक्शन देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड
सेपरेट नेटवर्क मोड। ये क्या करेंगे कि जब भी आपको जो फालतू के ऐप होते हैं जो बैकग्राउंड चलते रहते हैं, जिसको आप ज़्यादा यूज नहीं करते हो, वो आपका नेटवर्क होता है उसको यूज़ करते रहते हैं, आपका जितना भी डेटा होता है वो जल्दी खत्म हो जाता है। तो अगर आप इसको ऑन रखते हो तो जो आपके फालतू के ऐप होंगे वो आपका जितना भी डेटा होगा उसको यूज़ नहीं करेंगे, तो आपका काफ़ी डेटा इसमें सेव हो सकता है। आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन या फिर डेटा रिसीव होता है या फिर सेंड होता है उसकी जो बाइट्स होगी वो भी कम हो जाएंगी। आगे आपको एक फंक्शन और देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं हाइबरनेशन अनयूज्ड ऐप। तो जी क्या करेंगे कि अगर क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐप हमारे मोबाइल में पड़े रहते हैं, तो कुछ ऐसे वो ऐप होते हैं जिसको हम 3 महीने से 4 महीने से यूज ही नहीं करते, उसको ओपन ही नहीं करते। तो जहाँ पे ये ऐप क्या करेंगे कि ये फंक्शन क्या करेगा कि उस ऐप को जो होगा वो कंप्रेस करके रख देगा, उसके पास उसको कोई भी नेटवर्क का एक्सेस नहीं मिलेगा, उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी, बैकग्राउंड भी वो वर्क नहीं करेगा। तो इसके थ्रू आपकी जितनी भी बैटरी ड्रेन होती है वो बच सकती है, आपका डेटा बच सकता है, और जितना भी उसके साथ जो एक्सचेंज होती है इन्फॉर्मेशन वो भी बंद हो जाएंगी। और जब भी आप इन फ्यूचर उस ऐप के ऊपर जैसे टच करोगे तो वो ऐप ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगी, जितना भी उसके अंदर डेटा होगा जो कंप्रेस करके रखा हुआ है, चाहे फोटो है, वीडियो या फिर कुछ भी है, वो दोबारा जहाँ पे अनकंप्रेस होगा तो वो कंप्रेस हो जाएगा और दोबारा वो सामने आपके आ जाएगा और ऐप वैसे ही काम करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम उसको यूज नहीं करते तो फिर वो क्या करेंगे कि अनहाइबरनेशन मोड में चली जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो आपको मल्टीटास्किंग ज़्यादा देखने को मिलेगी, बल्कि आप एक ही होम स्क्रीन के ऊपर दो ऐसे मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, दोनों को बबल के फॉर्म में रख सकते हैं, एक ही स्क्रीन के ऊपर दो जो टैब होंगे वो खोल सकते हैं, आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे बबल के ऊपर आप क्लिक करेंगे कोई भी अपने अकॉर्डिंग जो ऐप को चूज करके रख सकते हैं, बबल के अकॉर्डिंग जैसे आप होम स्क्रीन के ऊपर बबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ऐप ओपन हो जाएंगी और साथ में आप दोनों ऐप को चूज कर सकते हैं। स्पीड की बात करें तो इसमें मल्टीटास्किंग की जो स्पीड होगी वो भी हमको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन होंगे जो शेयरिंग के फंक्शन हमको देखने को मिलेंगे, नियर बाई शेयरिंग की बात करते हैं, वाईफाई शेयरिंग की बात करते हैं, ये भी हमको देखने को मिलेंगे, और हैप्टिक फीडबैक भी हमको देखने को मिलेगा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिर जैसे एक्सेसरीज होते हैं, जैसे गेम की एक्सेसरीज हमको देखने को मिलती है, जैसे हम कुछ ऐसे रिमोट वगैरह लगा के मोबाइल में गेम को खेलते हैं, तो उसमें हैप्टिक फीडबैक में क्या होगा कि जब भी आप रिमोट को कनेक्ट करेंगे उसका जो रिस्पॉन्स होगा एक वाइब्रेशन के थ्रू आपको मिलेगा, जैसे आप ऐसे करके टच करोगे तो वो वाइब्रेशन होगी जो हैप्टिक फीडबैक के थ्रू आपको फील कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी सही फंक्शन है। आईफोन की बात करें तो उसमें भी हमको हैप्टिक फीडबैक देखने को मिलता है, लेकिन एंड्रॉयड का जो नेटिव 12 वर्जन आएगा उसमें हमको जो नेटिवली ये फंक्शन है वो देखने को मिलेगा। तो यही था जो मैंने आपको बताया कि एंड्रॉयड 12 कब तक हमको देखने को मिलेगा, इसका बीटा वर्जन कब देखने को मिलेगा, स्टेबल वर्जन कब तक देखने को मिलेगा, इसमें कौन कौन से फंक्शन हमको देखने को मिलेंगे, कौन से मोबाइल में सबसे पहले देखने को मिलेगा, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको आज की इस वीडियो में बता दी है। वीडियो अच्छी लगेंगे तो लाइक जरूर करके जाना, कमेंट भी जरूर करना। जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई प्लीज वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।